मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद चुनावी हलचल काफी तेज हो गई है, जहां दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है और तब से ही खुरई विधानसभा की राजनीति में सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। जी हां, आज खुरई विधानसभा क्षेत्र के मालथोन क्षेत्र में कांग्रेस कार्यालय उद्घाटन में पहुंचे पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल विकास का गाना गाती है, शिवराज सिंह चौहान केवल घोषणा मशीन की तरह काम करते हैं, आखिर जमीनी स्तर पर जाकर देखें तो काम नहीं हुआ है। इस बार के चुनाव में सभी मतदाताओं से कहा है कि इस बार अपनी सही सरकार को चुनें, ताकि देश में बनने वाले युवाओं के भविष्य को आप संवार सकें। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, ये चूंकि विधानसभा चुनाव है और आज मालथोन तहसील है एक खुरई विधानसभा क्षेत्र की, यहाँ पर हमने आज उद्घाटन हुआ है कार्यालय का, किया है हम लोगों ने। हमारा सभी से यही कहना है कि इस चुनाव में, ये चुनाव बहुत अहम चुनाव है, ये मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा ये चुनाव, तो सभी कार्यकर्ताओं से हमारा निवेदन है कि आज के दिन वो सब संकल्प लें, मन में संकल्प लें कि हमें जी जान से कांग्रेस के लिए करना है और विजयश्री प्राप्त करना। भाजपा के हम देखो, हम विकास के आगे जैसे आप लोग मतलब अपना हाँ काम कर पाओ, भाजपा कहती है कि हमने। अब देखिए, मध्य प्रदेश में तो शिवराज मम्मा ने भाषणों के अलावा मध्य प्रदेश को कुछ नहीं दिया। आप देखते होंगे, अगर विकास किया तो 50% कमीशन, भाई वो बांध टूटा था मंदसौर के पास, और भी कई ऐसे घोटाले आए हैं, एक पटवारी घोटाला आया, तो उसमें ये उजागर हो गए हैं कि इतना ज्यादा कमीशन लेते हैं ये, और विकास विकास चिल्ला रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में चल हो रहा है, उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में विकास हो रहा है और पहले नहीं होता था। क्यों भैया, पहले क्या हम क्या बैलगाड़ी में चलते थे क्या कांग्रेस के समय में? विकास की जो शुरुआत है वो कांग्रेस ने शुरू करी। भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि मतलब खुरई कांग्रेस मुक्त है, फिर कैसे आप? नहीं, देखिए एक बात है, कोई मुक्त नहीं होती है, और ये तो हम कह देंगे एक जुमला है, ये तो कांग्रेस मुक्त अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वो इस तरह से कह रहे होंगे, बाकी इस तरह से का कोई बात नहीं है, सब कांग्रेसी एकजुट हैं, और आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेसी आए हुए हैं, आप देख रहे हो खड़े हैं, जबकि बहुत से लोगों को खबर नहीं मिली थी, तो कांग्रेस तो मुक्त हो नहीं सकती। इस बार के मध्य प्रदेश चुनाव जो हो रहे हैं 2023 में, कांग्रेस के आलाकमान ने बोला है कि इस बार हम 150 पार जाएंगे, और वहीं कांग्रेस भाजपा बोल रहा है कि हम 200 पार जाएंगे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव, उस पर क्या बोले? देखिए, पिछली बार जनमत जो था, और सरकार किसकी बनी थी? कांग्रेस की बनी, जनता ने कांग्रेस को वोट दिया था पिछली बार, तो हम नहीं कह रहे थे। इस बार पूरी जनता, मध्य प्रदेश की पूरी जनता चिल्ला रही है, और वो चाहती है कि अब बदलाव आना चाहिए, क्योंकि त्रस्त हो गए शासन। खुरई विधानसभा में ये भी बोला है, जब से कैंडिडेट प्रत्याशी घोषित हुआ, कि इस बार कांग्रेस की जमानत ही जब्त हो जाएगी। इस बार के विधानसभा दिया गया भाजपा को, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, समय बताएगा, ऐसा नहीं। कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर प्रचार में जाएगी? देखिए, आज हम देखते हैं 15 महीने का हम लोगों का शासन रहा कांग्रेस का, और 15 महीने में जितनी घोषणा की
कमलनाथ जी ने, वो सारे वचन उनने निभाए, चाहे किसानों का कर्जा हो। अब तो बीजेपी के लोग ये भी कह रहे हैं एक नया पैसा माफ नहीं हुआ, 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ था, ये विधानसभा के पटल पे रखा गया था। विधानसभा के पटल पे जब क्वेश्चन पूछा तो उनके मंत्री हैं कृषि मंत्री कमल पटेल, उनने ही रखा था ये कि हाँ 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। और भी गौशालाएं हैं 51,000 रुपये विवाह के लिए दिए गए, और भी ऐसी कई जो उनने उस समय घोषणाएं करी थी सारी पूरी करी। जो काम 18 साल में बीजेपी नहीं कर पाई वो कांग्रेस ने 18 महीने में उससे ज़्यादा काम किया है। तो जनता चाहती है, जनता ने वो देखा है सब कुछ, जनता चाहती है कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए, कमलनाथ जी जैसा ईमानदार व्यक्ति चाहिए जो बात कहे उसे निभाए। तो जनता बदलाव चाहती है। तो इस बार बदलाव के पूरे रुख आ रहे हैं, आपको समझ में जनता का क्या रुख आपने अभी तक भाव? हमारे तो आ ही रहे हैं, जनता भी चिल्ला रही है, और सिर्फ रहेगी नहीं पूरे मध्य प्रदेश की जनता चिल्ला रही है कि अब तो बदल दो। तो